वेलकम टू कोर स्ट्रेंथ टीवी गाइस, और मैं हूं आस्तिक। आज राजा कैमरे के पीछे है, डायरेक्शन का काम कर रहा है, और हमारे साथ है मिक्की भाई। मिक्की माउस वाला मिक्की नहीं, इनका नाम कमल है, हम प्यार से मिक्की बुलाते हैं, आप भी मिक्की बुला सकते हो। तो आज हम करेंगे शोल्डर के कुछ वेरिएशंस। तो हम करेंगे जॉइंट सेट, यानी कि एक सेट में सारे हेड्स को हम स्टिमुलेट करेंगे। शोल्डर के बेसिकली तीन हेड होते हैं, फ्रंट, मिडिल और रेयर हेड होता है हमारे डेल्ट का। तो हमारे डेल्टॉइड के बाद जो हमारा कॉलर है उसकी भी हम एक एक्सरसाइज लेंगे, ठीक है। और शोल्डर में अक्सर लोग फ्रंट डेल्ट की बहुत एक्सरसाइज करते हैं, रेयर की नहीं करते, तो आज हम रेयर की इसमें दो एक्सरसाइजेज होंगी। साथ में हम लोग इसके रेपिटेशन रेंज जो है 10 टू 15 रखेंगे। आप 15 की ही कोशिश करिएगा ताकि आपके 120 रेप्स का एक सेट बने। ऐसे तीन सेट्स करने हैं, यानी कि 360 रेप्स का आपका शोल्डर वर्कआउट होगा और ये बहुत कम टाइम में पूरा हो जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं शोल्डर का वर्कआउट। ये कम वेट से ही होगा। पहली एक्सरसाइज होगी साइड लेटरल्स। तो साइड लेटरल्स में आप जैसे देख रहे हो, आपको एल्बो से वेट उठाना है, कंट्रोल में नीचे लाना बहुत जरूरी है, नीचे गिरने मत देना वेट को, कंट्रोल में उठाना है और एल्बो से उठाना है, ठीक है। और नीचे आप देखो किस पोजीशन में रोक रहे हैं डंबल को, और वहीं से ऊपर उठा रहे हैं, क्योंकि नीचे अगर इस पोजीशन में रोकोगे आप तो यहाँ और एफर्ट लगता है। तो ये साइड डेल्ट के लिए, साइड डेल्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपको और वेट देने के लिए। जितना अच्छा राउंड होगा उतना अच्छा इफेक्ट आएगा आपको। अब हम करेंगे फ्रंट रेज। फ्रंट रेज हमारे फ्रंट डेल्ट को अच्छा स्ट्रेच करता है, प्लस नीचे आते हुए आप देखोगे कि आपके ट्रेपीजियस को आपके अच्छा स्टिमुलेट करता है। फोरहेड तक लेके आना है, और ये ऑल्टरनेट नहीं, साइमल्टेनियस करना है और कंट्रोल में करना है। तो ये 7.5 kg का डंबल यूज कर रहे हैं आप, 7.5, 10, 5 kg, जैसा आपको कंट्रोल में करने के लिए वेट आपको सूटेबल लगता है वो आप करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज डंबल अपराइट रोज, इसमें भी एल्बो से उठाना है। तो जब एल्बो आपके डेल्ट से ऊपर जाएगी तो आपका डेल्ट स्टिमुलेट होगा, डेल्टॉइड स्टिमुलेट होगा। और डंबल से करने का एक एडवांटेज ये है कि आप यहाँ रुकने के बजाय जो आप रॉड से करते हैं, आप अपने फोरहेड तक जाएंगे तो रेंज ऑफ मोशन बढ़ गया, तो मसल पे जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे आप शोल्डर डंबल प्रेसेस। ऑब्वियसली कंपाउंड मूवमेंट है, आप पहली एक्सरसाइजेस करके आपका प्री एग्जॉस्ट हो गया है शोल्डर, तो आपके लिए कंपाउंड मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। कम वेट में शोल्डर डंबल प्रेस आपको अच्छा फुल रेंज ऑफ मोशन में करना है, जो आप हैवी वेट से नहीं कर पाते, ठीक है। अब जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो है हैमर डंबल प्रेसेस, ठीक है। तो हैमर डंबल प्रेस में आपकी एल्बो की पोजीशन आप देखिए फ्रंट में, ठीक है, पूरा नीचे नहीं आना, शोल्डर लेवल से थोड़ा नीचे आए ऊपर चले गए। अपने फ्रंट डेल्ट में आपको कांस्टेंट टेंशन बना के रखनी है, ठीक है। चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट, जैसे आपने शोल्डर डंबल प्रेस किया था वैसे ही एक्सरसाइज है। दी ओनली डिफरेंस इज कि इस एक्सरसाइज में आपका एल्बो शोल्डर डंबल प्रेस में यहां होता है, इसमें आपके यहां होगा। तो ये करना है आपने 15 रेप्स इसके भी। हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो बहुत कैलोरी लॉस होगा और साथ में आपके सारे हेड्स पे काम हो रहा है, तो ये लीन होने में भी आपकी काफी हेल्प करेगा प्रॉपर डाइट के साथ, जब आप अपना ये रूटीन चलाएंगे। कमल भाई ने अपनी एक्सरसाइज काफी टाइम में छोड़ रखी है, इसलिए उनको अभी जब शुरू करना था तो इस तरीके की एक्सरसाइज से शुरू किया, आप भी कर सकते हैं। अब हम करेंगे रेयर डेल्ट के लिए बेंड लेटरल्स, ठीक है। देखिए बैक स्ट्रेट और ग्राउंड के पैरेलल हो जाएगी, और बेंड लेटरल्स आपके रेयर डेल्ट के लिए है। मसल पे फोकस करते हुए काम करना है। अगर आपने बहुत टाइम से एक्सरसाइज छोड़ी हुई है, या आप घर पे प्लान कर रहे हो एक्सरसाइज करने का और 5, 7.5 या 10 kg का डंबल है, तो ये बिल्कुल सूटेबल है आपके लिए, जॉइंट सेट बना दीजिए। अब देखिए रेयर डेल्ट की हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। घर पे सबके बारबेल होती है, जो भी घर में थोड़ा एक्सरसाइज का सामान जुटाते हैं, तो ये देखिए क्या कर रहे हैं। अब देखिए, नोटिस करिए, चेस्ट पे जो आपके टिट्स हैं, टिट्स पे लानी है बारबेल, नीचे टिट्स पे लाए बारबेल, नीचे ये टिट्स पे लाए बारबेल। तो ये
जैसे आप बेंड बार करते हैं बैक के लिए वैसे ही है, लेकिन ट्रेड फिट की बार बार आ रही है, तो ये आप देखिए एल्बो आपका पीछे नहीं खुल रहा, एल्बो आपका ऐसे फ्रंट में ऊपर खुल रहा है, तो आपके रेयर डेल्ट एक्टिवेट होंगे। और रेयर डेल्ट जॉइंट पे काम करना बहुत जरूरी है ताकि आपके शोल्डर को अच्छी राउंडनेस मिले। अब लास्ट में हम करेंगे आपके ट्रेपीजियस के लिए श्रग्स। शोल्डर विड्थ से 2 इंच अपार्ट आप श्रग्स में पकड़िए और देखिए अपने ट्रेपीजियस से अपने कान को टच करने की कोशिश करिए, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश करिए। क्वालिटी कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये करोगे आपके एकदम कुत्तों वाला पंप, बिल्कुल कुत्तों वाला पंप आएगा आपके। और अभी ये बिल्कुल सूटेबल एक्सरसाइज है अगर आप घर पे कर रहे हो, नहीं तो अगर आप जब जिम खुल जाएंगे लॉकडाउन के बाद आप जिम में शुरू करते हैं एक्सरसाइज, आप जरूर इससे शुरू करिएगा। शुरू में आपको लगेगा यार लाइट वेट से आसानी से लग गई पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज से आपकी हालत खराब होनी शुरू हो जाएगी। स्पेशली आपका हार्ट रेट जब बढ़ेगा तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा है ये मेरी कार्डियोवैस्कुलर कंडीशनिंग के लिए भी अच्छा है। और सारे हेड्स हिट करने शोल्डर में बहुत ज़रूरी हैं। शोल्डर का आप कोई भी रूटीन करें, एक ही चीज़ बोलूँगा कि वो रूटीन कभी अच्छा नहीं होता जिसमें आपने शोल्डर प्रेस भी कर ली, बारबेल प्रेस भी कर ली और ज़्यादातर प्रेसिंग मूवमेंट्स ही आप सोच के कर रहे हैं, कंपाउंड मूवमेंट्स करूँगा तो साइज़ गेन होगा मेरे शोल्डर का। ऐसा नहीं है, आपके शोल्डर की राउंडनेस और उसका प्रॉपर प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अपने रेयर डेल्ट पे कितना काम करते हैं एज अपोज टू फ्रंट डेल्ट में। क्योंकि जब आप बेंच प्रेस कर रहे हैं चेस्ट में या कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका फ्रंट डेल्ट तो वैसे भी उसमें यूटिलाइज हो ही रहा है, उसके मसल्स काम कर ही रहे हैं। आपका जो मसल जिस पे अच्छा काम नहीं हो पाता वो है साइड, आपका साइड डेल्टॉइड और आपका रेयर डेल्टॉइड। तो आपका जो मिडिएबल हेड है डेल्टॉइड का, यानी कि साइड डेल्टॉइड है, उस पर और रेयर डेल्टॉइड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने रेयर डेल्टॉइड की 2 एक्सरसाइज रखी हैं। ये एक सेट हुआ है आपका 15 रेप अगर आप कर रहे हैं तो ये एक सेट होगा आपका जायंट सेट, 8 एक्सरसाइजेस 15 रेप्स, 120 रेपिटेशन टोटल इस सेट में सारी एक्सरसाइज के मिलाते होंगे। फिर हम लेंगे 1.5 मिनट का रेस्ट, 1 मिनट का रेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। सो 1.5 मिनट मैक्सिमम, 1 मिनट मिनिमम, उसके बाद आप इसे रिपीट करेंगे। इसके 3 सेट्स करने हैं तो टोटल 360 रेप्स आप 3 सेट्स में कवर करोगे। और ये पूरा जायंट सेट करने में आपको जितना टाइम लगेगा प्लस 1 to 1.5 मिनट, इसी प्रोसेस को आपको फिर 2 बार और रिपीट करना है। तो आपका बहुत कम टाइम में इतने ज़्यादा रेपिटेशन भी पूरे हो रहे हैं, सर्कुलेशन अच्छा आपके पार्ट में अच्छा जा रहा है आपके शोल्डर में, उससे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और प्लस आप नोटिस करोगे अगर आप हैवी वेट पुश करने के आदी हो और आपको लग रहा है कि यार आप हैवी वेट पुश करने का आदी हो, मैंने सुपर सेट, ड्रॉप सेट, ट्राई सेट, सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, अचानक से एक दिन चेंज करके जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आपको वेट्स पुश करने में भी आसानी हो रही है, प्लस आपके जॉइंट्स को भी थोड़ा रिलीफ मिला है और प्लस आपके शोल्डर को कुछ एक नया स्टिमुलस मिला है। तो इसी तरीके से आपके लिए कुछ ना कुछ हम नया लेके आते रहेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, लोगों ने जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है उन्होंने बहुत फीडबैक्स हमें दिए हैं, बताया है वो किस तरह के वीडियोस इस पे देखना चाहते हैं चैनल पर। तो वही काम अब हम कर रहे हैं, इस तरह के हमने वीडियोज़ निकाले हैं जो एक्सरसाइज आप घर पर या जिम पर कहीं पर भी कर सकते हैं। साथ में अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इस रूटीन के बाद शोल्डर के हम फोरआर्म्स, बैक, ट्राइसेप्स, ये सारे पार्ट्स की एक्सरसाइजेस हम आपके लिए लेके आएंगे आने वाले वीडियोज़ में। और उसके बाद हमारे कुछ इंटरेक्शंस हैं कुछ ट्रेनर्स के साथ जो कुछ आपको डाइट के ऊपर और एक्सरसाइज के ऊपर अच्छी टिप्स भी देंगे जो रियली में आपको बहुत काम आ सकती हैं। बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं होगी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स होंगे जो वो कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें ताकि आपके जो भी गोल्स हैं वो अचीव करने में आपको हेल्प मिले। और आपने अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों ने, वो हमें सब्सक्राइब करिए। वी एश्योर यू कि हम आप लोग को बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ नया आपके लिए लाते रहेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आया तो दबा के लाइक बटन ठोको एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप वॉचिंग कोर स्ट्रेंथ टीवी।